गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप CBSE बोर्ड से हों, UP बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड से हों, आपको सभी वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास 6 to 12 से लेकर ITJEE मेन्स एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CCC का एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तब भी आप ये एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, तमाम तरह के आपके क्वेश्चंस हैं और आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो दोस्तों, CCC जिसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस सर्टिफिकेट का यूज़ आजकल बहुत जगह हो रहा है। सरकारी नौकरियों में CCC बहुत जगह अनिवार्य कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना होता है NILET की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने इसको लेकर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं तो आप जिस महीने में अप्लाई करेंगे उसका अगला महीना छोड़कर अगले महीने में परीक्षा होती है, यानी कि ये अक्टूबर चल रहा है, अगर आप अक्टूबर में फॉर्म भरेंगे तो अक्टूबर और नवंबर छोड़ के आपका एग्ज़ाम दिसंबर महीने में कराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जब भी आता है आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाता है, आप जाकर वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड जब कर लेंगे तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसमें आपका एग्ज़ाम डेट दिया रहेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया रहेगा और एडमिट कार्ड में आपके 3 टाइम दिया होगा। एक होगा रिपोर्टिंग टाइम, जिस टाइम पर आपको अपने सेंटर पर पहुंचना होगा, उसके बाद एक टाइम होगा गेट क्लोजिंग टाइम, उससे पहले पहले अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका गेट क्लोज हो जाएगा, और अगला टाइम होता है आपके एग्जाम के स्टार्ट होने का टाइम, और आपका ये बता दिया जाता है कि 90 मिनट की आपकी परीक्षा होनी है, यानी कि अगर 11 बजे आपका एग्जाम शुरू होना होगा तो 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, यानी कि 1 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होता है, और लगभग 45 मिनट के बाद यानी कि 10:45 पर गेट क्लोज हो जाएगा, 11 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा और ये एग्जाम चलेगा 90 मिनट तक, यानी कि 12:30 बजे तक, यानी कि 12:30 बजे तक आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। बहुत बार ये देखा जाता है कि CCC का एग्जाम अपने तय समय पर नहीं शुरू हो पाता है, 11 बजे आपको बुलाया जाएगा, आपका एग्जाम 12 बजे 1 बजे 2 बजे शुरू होगा, लेकिन आपको इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आपका एग्जाम शुरू होगा 90 मिनट आपको दिया जाएगा और उस 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। कोई भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। 100 क्वेश्चन में पहले जो ट्रेंड था एग्जाम पूछने का उसमें यह था कि लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे और लगभग 50 क्वेश्चन यहां पर ट्रू फॉल्स आता था, लेकिन इस नए ट्रेंड में अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, जिसे 10 से 15 कर दिया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ यानी कि ये क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 80 से 85 कर दी गई है। तो आपको इसका ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। मैंने दोस्तों कुछ वीडियोस बनाए हैं आपकी तैयारी कैसे हो सकती है, बेस्ट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कौन कौन से आ सकते हैं, उसी के साथ साथ एग्जाम पास करने की कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं। तो हमारा एक प्लेलिस्ट है CCC के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको वहां आपको CCC से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपको एग्जाम की डेट पता चल गई, आपको एग्जाम का टाइम पता चल गया, आप रिपोर्टिंग टाइम पर अपने सेंटर पर पहुंच गए। जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहली चीज देखनी होगी कि वहां पर सेंटर के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगता है, उस नोटिस में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आपको उस नोटिस को अच्छे से देख लेना है। इस तरह का दोस्तों नोटिस बोर्ड पर नोटिस लग जाता है जिसमें आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, तो नाम और रोल नंबर तो आपके एडमिट कार्ड पर भी रहता है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, पासवर्ड। तो आपके रोल नंबर के सामने जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप सेंटर के अंदर जाएंगे तो लॉग इन करते समय आपको इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसी के साथ साथ इस नोटिस में लैब नंबर होगा और अलॉटेड सिस्टम नंबर होगा, तो लैब नंबर आप देख लीजिएगा कि आपका लैब नंबर कौन सा है, आपको किस लैब में जाकर किस कमरे में जाकर परीक्षा देनी है, और अलॉटेड सिस्टम नंबर में आप देख लेंगे कि आपको किस सिस्टम पर बैठना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको नोटिस बोर्ड पर जाकर अपना पासवर्ड, लैब नंबर और अलॉटेड सिस्टम नंबर देख लेना है, और फिर आप उसी लैब में जाकर उसी सिस्टम नंबर पर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पर स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक होगी, सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपको लॉगिन करने के लिए अपना रोल नंबर डालना होगा, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड
का रहेगा, और पासवर्ड आपने जो बाहर नोटिस से नोट करके लाया है उस पासवर्ड को आप एंटर करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने आ जाएगा पहला क्वेश्चन, इस तरह का दोस्तों स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। ऊपर देखेंगे तो रेड कलर से पूरे 100 क्वेश्चन लिखे होंगे। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए रहेंगे पहले वो रेड कलर का रहेगा, और जिन जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे वो ग्रीन होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है, तो 5ों क्वेश्चन ग्रीन हो गया है। उसके नीचे आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले एक नंबर से शुरू होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होगा ABCD। सबसे पहले क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन नीचे हिंदी में भी आएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसे पढ़ लीजिए, और आपको लगता है अगर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है तो फिर आप देखेंगे यहां पर तो योर आंसर में ABCD लिख कर आएगा। आपको अगर डी लगता है सही तो आप डी पर माउस ले जाकर क्लिक कर देंगे और कंफर्म आंसर पर क्लिक करेंगे। सही दोस्तों, आप कंफर्म आंसर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, और फिर इसी तरह से वो भी क्वेश्चन होगा। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, नीचे हिंदी में क्वेश्चन होगा, फिर ABCD आपके साइड में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर भी जो क्वेश्चन का आंसर सही लगता है आप उस पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ दोस्तों और देखने को मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एक बार आ जाता है तो वो 30 सेकेंड से पहले नहीं हटेगा। एक टाइमर चलता है आपके कन्फर्म आंसर के लगभग ऊपर कहीं वहाँ पर एक टाइमर चलता है 30 सेकेंड का, तो जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ जाएगा वो 30 सेकंड तक रहेगा। 30 सेकंड के बाद भी आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड कम से कम वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहता है, और उसके बाद ही आप कंफर्म करेंगे तो वो क्वेश्चन हटेगा और अगला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो कंफर्म आंसर के सामने एक रीसेट आंसर का भी ऑप्शन है। इसका यूज क्या है, तो मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लगा दिया ए, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ए नहीं सही है बल्कि बी सही है, तो आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर वहां से मिट जाएगा और उसके बाद आप उसका जो भी आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, आपको टोटल 100 तक क्वेश्चन दिख जाते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके माउस के थ्रू आप आगे पीछे जा सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने एक बार आ जाता है वो 30 सेकंड तक रहता है, उसके बाद ही फिर वो नेक्स्ट होता है। एग्जाम देना बहुत ही आसान होता है, आप आराम से माउस के थ्रू क्वेश्चन के आंसर को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल माउस छूने नहीं आता है तो आप एक दिन दो दिन अपने घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, या कहीं साइबर कैफे पर अगर आप जा सकते हैं तो जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कुछ खास करना नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और उसके साइड में ABCD होगा। सिर्फ आपको ABCD में से जो भी सही आंसर लगता है वहां तक माउस को लेकर जाना है। उसका कर्सर जैसे वहां पर जाएगा आप एक बार क्लिक करेंगे वो आंसर टिक हो जाएगा, फिर आप कंफर्म करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है और आप बड़ी आसानी से ये चीज़ लगभग आधे घंटे से एक घंटे की प्रैक्टिस में सीख सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तब भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको चलानी होगी। CCC का एग्जाम 100 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पास होने के लिए कम से कम आपको 50 नंबर की ज़रूरत होगी, तो अगर आप 50 से 54 नंबर के बीच में पाते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा, 55 से लेकर 64 तक पाते हैं तो सी ग्रेड मिलेगा, उसके बाद बी, फिर ए ग्रेड, और जो टॉप स्टूडेंट होते हैं 85 प्लस उनको एस ग्रेड मिलता है। तो इस तरह से ग्रेडिंग इसकी होती है। 50 नंबर कम से कम अगर आप पा जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप पास माने जाएंगे। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर ग्रेड नहीं मांगा जाता है, सिंपली अगर आप पास हैं तो आप उसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कम से कम 50 नंबर आपके आने चाहिए तभी आपका सर्टिफिकेट आएगा, और इस तरह का सर्टिफिकेट होता है आप यहां देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो CCC एग्जाम पास करने के बाद उसके 1 से 2 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सिंपली आप वेबसाइट पर जाकर आप यहां कुछ डिटेल्स डालेंगे और आप अपना सर्टिफिकेट बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। दोस्तों जब आप एग्जाम अपना दे लेंगे आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 90 मिनट आपका जैसे ही पूरा होगा आपका जो टेस्ट है जो आपका एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते हैं, 90 करते हैं, 80 करते हैं, 70 करते हैं, जितना भी आपकी रहेंगे, जैसे ही टाइम होगा 90 मिनट का आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, और आप खुद भी चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम समाप्त होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, आपका आंसर जो है वो सेव हो जाता है। ये था दोस्तों CCC एग्जाम के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है हमेशा की तरह, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, वो भी इसका फायदा उठा सकें, CCC एग्जाम वो भी दे सकें, पास हो सकें, जिनको भी घबराहट उनकी घबराहट दूर हो सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।